सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं फ्री फायर की एकदम फ्रेश न्यू वीडियो। और गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गाइज, हमारा जो न्यू एवोल्यूशन बंडल है गाइज, वो कब आने वाला है और उसकी गाइज कन्फर्म डेट गाइज कौन सी होने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना होगा। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में फुल अपडेट मिलने वाली है, जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट आने वाली है और हमारे कौन से गाइस न्यू टॉप अप इवेंट आ रहे हैं और कौन से हमारे न्यू अपकमिंग इवेंट हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गाइस, आपको एक चीज़ कंफर्म कर दें कि हमारा जो न्यू कोबरा बंडल है गाइस, इवोल्यूशन बंडल जो है, वो कब लॉन्च होने वाला है और उसकी कन्फर्म डेट गाइस कौन सी होने वाली है, तो आपको गाइस मिलेगी इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल। तो गाइस, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। तो फ्रेंड्स, बात करते चलें कि हमारा जो कोबरा का जो एवोल्यूशन बंडल है वो कब आने वाला है। वो आपको 27 डेट को मिल सकता है। और गाइस, इसके साथ आपको इसी के अंदर आपको चार बंडल देखने को मिलेंगे और इसके अलावा कुछ रेयर इमोट्स गाइस आपको मिल सकते हैं। तो गाइस, ये कब आने वाला है, जिस दिन आपको शीरू करेक्टर आपको फ्री में गाइस मिलेगा, उसी दिन गाइस आपको ये जो एवोल्यूशन बंडल है आपको वो भी गाइस मिल सकता है। और आपको यार वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा डायमंड गाइस आपके लग सकते हैं। तो गाइस, ये मत भूलिएगा कि भाई इसके सिर्फ छोटे मोटे डायमंड लगेंगे, बल्कि आपके बहुत ज़्यादा गाइस डायमंड लग सकते हैं। तो आपने अभी से डायमंड अपने स्टोर कर लो अगर आप इस बंडल को गाइस परचेज करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आपको कोबरा के बाद आपको अटैक ऑन टाइटन का न्यू कोलैबोरेशन इवेंट आपको देखने को गाइस मिल सकता है। तो गाइस, ये हमारा जो कोलैबोरेशन होने वाला है वो कोबरा के इवेंट के बाद आपको अटैक ऑन टाइटन का जो कोलैबोरेशन आपको फ्री फायर के अंदर देखने को गाइस मिल सकता है। इसके बाद जो आपको अभी हम अपडेट देने जा रहे हैं वो है अटैक ऑन टाइटन में आपको गाइस क्या क्या मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गाइस ओपी रिवार्ड आपको देखने को मिलेगा और सब कुछ आपको फ्री में गाइस मिलेगा। इस इवेंट में आपको कुछ बंडल के अलावा आपको एक कार वाला गाइस इमोट जो है आपको फ्री में गाइस देखने को मिलेगा। और ये कुछ सर्वर पे फ्री में मिलेगा, हमारे सर्वर में पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन गाइस ये भी आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद आपको कौन सा न्यू इवेंट देखने को मिलेगा, इसी इवेंट के अंदर आपको एमोरिड टाइटन बंडल गाइस देखने को मिलेगा। क्या भाई साहब, ये बंडल इन्होंने दोनों के दोनों बंडल भाई एकदम नंगे बंडल भाई बना दे हैं। तो कई यार आप यूज़ क्या करोगे इस बंडल को भाई, ये तो फुल इसकी जो ऊपर इसने वर्दी नहीं पहनी हुई। तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपने यूज़ करना, मैं तो भाई इस बंडल को यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे गाइस इस बंडल को आप देख सकते हो क्या लुक है इसकी। लेकिन गाइस, कुछ बहुत ही बड़ा बंडल है और यहाँ पे फुल इसको नंगा कर दिया है, तो फीमेल तो भाई सोचे भी ना कि वो इसको यूज़ करे। इसके साथ ही आपको एक फीमेल बंडल भी गाइस आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा है। इसके बाद आपको मेल कॉस्ट्यूम गाइस कैसा देखने को मिलेगा, वो भी कुछ ओपी है। तो ये सब कुछ आपको अटैक ऑन टाइटेनियम के इवेंट में ही आपको मिलेगा। इसके बाद गाइस, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है गाइस, अटैक ऑन टाइटेनियम में आपको दो वेपन की स्किन कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। एक आपको P90 की आपको स्किन देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो P90 को कुछ कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया। इसके साथ ही आपको एक M1014 की आपको लेजेंडरी गाइस स्किन देखने को मिलेगी, जो कि आपको वेपन रॉयल में गाइस आपको देखने को मिल सकती है। P90 की तो गाइस आप डिज़ाइनिंग दे सकते हो, कुछ थीम टाइप ही है, लेकिन आप M10 की देखो भाई, कुछ ज़्यादा ही रेयर भाई लग रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ही ओपी लगी। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी जो न्यू स्किन आने वाली है M1014 की, जल्दी से वीडियो में कमेंट करो। और अगर कमेंट करते हो तो भाई मुझे जल्दी से कमेंट करो, ताकि आपको भी भाई पता चले कि मुझे भी पता चले कि भाई कैसी लगती है ये न्यू जो स्किन होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहां पे गाइस देख सकते हो जो M1014 जो अटैक ऑन टाइटेनियम के कोलैबोरेशन में आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको वेपन रॉयल में गाइस आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद आपको बाकी क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा, आपको एक लॉबी में गाइस लैंडिंग कराने वाला एक गिफ्ट मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा जब आप लॉबी में जाओगे और इसको उतारोगे तो इसमें से आपको गोल्ड और डायमंड आपको मिल सकते हैं।
पहले पहले में आपको तो बहुत ज़्यादा डायमंड मिलते थे, लेकिन जब गरीना वालों ने देखा कि इसमें से तो वो नुकसान खा रहे हैं, तो उन्होंने फिर इसमें जो डायमंड है मैक्सिमम आपको 5 डायमंड मिल सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड जो 20 और 50 गोल्ड आपको मिल सकते हैं, यह आपकी जो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो गैज़ ये आपको देखने को मिलेगी अटैक ऑन टाइटेनियम के अंदर, और ये जो लॉबी में उतारने वाले गिफ्ट होंगे कुछ ज़्यादा ही ओपी हैं। तो इसके बाद आपको क्या कुछ मिलेगा, जैसे ही हमारा अटैक ऑन टाइटेनियम का गैज इवेंट आएगा, तो आपको एक दो बंडल, तो आपको एक नंगे जो बंडल जिन्होंने ड्रेस भी नहीं पहनी होगी, इसके अलावा आपको एरोप्लेन का गैज पूरा का पूरा इन्होंने डिज़ाइनिंग जो अटैक ऑन टाइटेनियम की तरह होगी, इसके एयर ड्रॉप की भी पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग गाइस चेंज होती मिलेगी आपको, और सेम लाइक आपको टाइटेनियम की जैसे ही आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की जो अपडेट। इसके अलावा आपको मज़ीद क्या कुछ देखने को मिलेगा भाई, आपको फिस्ट की गाइस स्किन आपको देखने को मिलेगी, और आपको फिस्ट की स्किन कैसे देखने को मिलेगी आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड कलर की ये स्किन है, और क्या ही भाई ओपी स्किन है भाई, ख़तरनाक भाई बोल सकते हो, इसको जहर भाई बोल सकते हो। और तो साथ ही आपको एक ग्लू वॉल का गाइस टॉप अप इवेंट आपको देखने को मिल सकता है, या तो आपको कुछ अलग से कुछ इवेंट में आपको देखने को मिल सकता है जो कि गाइस कोबरा ग्लू वॉल है। तो इसके साथ ही आपको एक फिस्ट की गाइस भी स्किन आप देख सकते हो, काफ़ी ओपी स्किन है। तो आपको फिस्ट की गाइस स्किन कैसी लगी मुझे भाई कमेंट करके जल्दी जल्दी बोलो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको फिस्ट की जो स्किन जो हमारी आने वाली है आपको कैसी दिखी। इसके साथ जो हमारी भाई कोबरा की जो ग्लू वॉल है कुछ ज़्यादा ही ओपी है, लेकिन भाई अगर आपके पास पहले से एक दो स्किन हैं तो प्लीज़ यार मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई कि अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं तो भाई फिर आप मज़ीद खर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि भाई बंदा एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ग्लू वॉल की स्किन यूज़ करता है। तो इसलिए यार ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, इस जो है स्किन को तभी बाय कीजिएगा अगर आपके पास पहले से स्किन ना हो। और ये आपको स्किन ये कैसे मिलेगी, आपको ये स्टोर से भी मिल सकती है, आपको टॉप अप इवेंट पे भी गाइस देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा बहुत कुछ न्यू इवेंट पे आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कंफर्म तो नहीं बताया जा सकता कि आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप अप इवेंट पे मिलेगी। तो यहाँ तक गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको अच्छी लगी है, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वहाँ पर गाइस हम कोबरा MP40 का गिव अवे करने वाले हैं। गिव अवे में गाइस क्या होगा, हमने अपने बाइक की आईडी पे कोबरा MP40 गाइस फैडेड व्हील से निकालनी है, और उसको थोड़ा सा अपग्रेड भी करना है, ताकि यार हमारी भी थोड़ी थोड़ी बचत हो जाए और हमारे बाइक के वही इंतज़ाम चल जाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो तो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और गैस एक बात याद रख लो कि अगर आप लाइक्स का जो हमारा टारगेट है वो जो है ना जल्द से जल्द कंप्लीट करोगे, तो इससे ये होगा हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी हम जो है ना दिल से गैस बनाएंगे आपके लिए, और कुछ अच्छा लेके आएंगे ताकि आपको भी जो एडवांस अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।